क्योंकि मतलब हाउ चीप शी इज, 10 रुपए के लिए बहस कर रही है वो, ऐसी सोच रही होंगे आई एम श्योर, बट हु केयर्स। मतलब तो मैं अभी थोड़ी देर पहले से सोकर की उठी हूँ, तो एक्चुअली आज मैं छोले बना रही हूँ बिकॉज विकी के ऑफिस में छोटी सी उठ के टीम वालों का कुछ है, तो सब अपने अपने घर से खाना लेकर के आ रहे हैं रहते, तो कोई दही बड़े ला रहा है, कोई स्टार्टर ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, तो विक्की लेकर के ला रहा है छोले। अभी 8 लोगों के छोले बनाना इज अ टास्क फॉर मी, मैं 4-5 लोगों का बना सकती हूँ, उतना कैलकुलेशन मुझे पता है। अभी जो भी 2 कुकर में मैं बना रही हूँ, तो मेरी पूरी जो मैथ्स और कैलकुलेशन थी छोले बनाने की वो पूरी हिल चुकी है, तो होपफुली अच्छे बन जाए। तो मैं वही अभी बना रही हूँ, और तभी मेरी आईज भी स्वॉलन है एकदम, मतलब मैं सोकर के उठी हूँ और सीधे टास्क में लग गई हूँ। तो छोले की मैं रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कैसे मैं पंजाबी छोले बनाती हूँ, वही मैं बना रही हूँ अभी, तो मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी हम लोगों की अनियन प्यूरी बनी हुई है और टमाटो की जो प्यूरी है वो बन रही है, विक्की बना रहा है, विक्की इज हेल्पिंग मी आउट इन दिस, बहुत सारा है क्वान्टिटी में बन रहा है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि मेरा टेस्ट ऊपर नीचे ना हो जाए बस, क्योंकि कोई और खाने वाला है, तो ऐसा है। और बनाती हूँ मैं, तब आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनते हैं। सारा काम हो चुका है और अभी जस्ट मैं आई टू कशार, और शार लेने के बाद आज मुझे 2 वीडियोस शूट करने हैं और 1 वीडियो एडिट करना है, क्योंकि अभी इतने दिन से लैपटॉप बंद था तो मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया है। और अभी सारा काम किचन विचन का हो गया है, बस मैं अपने लिए फटाफट से राइस बनाने वाली हूँ। ओके, तो अभी मेरा सब लंच वंच हो जाने के बाद आई यूजुअली सिट एंड सी माई प्लानर, मैं एक दिन पहले ही सब कुछ लिख लेती हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है। तो अब मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, और रेडी होने के बाद मुझे कुछ करना नहीं है, फेस पे थोड़ा बहुत मैं कॉम्पैक्ट लगाऊंगी, लिपस्टिक लगाऊंगी और अपने बालों को थोड़ा सा सेट करती हूँ, एंड आई एम रेडी फॉर द शूट। तो मैं यहाँ पर बैठ कर के वीडियो बनाने वाली हूँ, मैंने उसकी लाइट्स ऑन कर दी है, और क्योंकि इस विंडो में से बहुत आवाज़ आती है तो आई हैव टू शट डाउन द विंडो। सो आई एम डन विद द शूट, और शूट करते टाइम सब विंडो बंद कर लेती हूँ, मैं फ़ैन बंद कर लेती हूँ, तो भी मुझे इतनी गर्मी लग रही है। और अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूंगी, तो मेरे को हॉल दिखाना है कि मैंने क्या क्या परचेस किया शॉपिंग हॉल, तब तक मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन बाय। ओके, सो दीज आर माई डांस क्लास किड्स, से हाय। तो इसमें अभी 2 प्रेजेंट नहीं है, एक तो नव्या और दूसरी जैस्मिन। जैस्मिन इज अ न्यू किड, और ये एक बैच है हम लोगों का, और अभी हमारा कौन सा डांस चल रहा है?
हेलो हेलो गल्ला गुड़िया चल रहा है और मैं थोड़ा सा क्लिपिंग लेती हूँ, बाकी सॉन्ग पूरा डालूंगी नहीं। एंड दीज आर वेरी नॉटी किड्स, अभी बहुत शांत दिख रहे हैं, बहुत पागल कर देते हैं मुझे। ओके, सो आई जस्ट फिनिश माई डांस क्लासेज एंड आई फील वेरी चिप चिप। तो सबसे पहले मैं फटाफट से अपना हॉल वीडियो कम्प्लीट करती हूँ एंड देन आई विल गो एंड टेक अ शावर। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड, बिकॉज ये बहुत सुबह से टलता जा रहा है। सो बिफोर स्टार्टिंग अ व्लॉग मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा बैग है जिसमें मिनीसो का सामान है, एज आई कैरी ऑलवेज दिस बैग। तो मैं अलग से उन लोगों का बैग कैरी नहीं करती हूँ, और ये होम सेंटर का सामान है। तो मैं क्योंकि साड़ी लेकर के आई थी मीना बाजार की, तो मेरे पास उसका बैग था, तो मैंने उन्हीं बैग में कैरी किया। तो होम सेंटर वालों से मैं दो बार भिड़ चुकी हूँ बैग की बात को लेकर के, और एक बार मैं वेस्ट साइड वालों से मतलब मेरा हो चुका है बहस। तो वेस्ट साइड में क्या हुआ था, वो लोग मुझे उनका जो वेस्ट साइड लिखा हुआ बैग है वो दे रहे थे एंड वो मुझे चार्ज भी कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू द रूल्स आप मुझसे इसके ऊपर चार्ज नहीं कर सकते, आपको मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट देना होगा। तो उन्होंने बोला कि चाहे आप वो बिना लिखा हुआ प्रिंटेबल बैग्स लो, चाहे प्रिंटेबल बैग्स लो, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम चार्ज करते करते हैं। फिर मैंने उनको एक आर्टिकल पढ़ाया, ठीक है। तो ठीक है, उन्होंने फिर उनका जो मैनेजर है उसने देख लिया कि कुछ हो रहा है यहाँ पर, तो वो फटाक से आ गया और उसने मेरे को बैग दे दिया, कहते ठीक है मैम ले लीजिए। मैं खड़ी हुई थी और मेरे बगल में एक अंकल खड़े हुए थे, एजेड से अंकल थे। उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो उन्होंने उससे उन्होंने मतलब वो जो है बंदा था जो बिलिंग काउंटर पर था, उसने उन अंकल से 17 रुपीज़ चार्ज करे बड़े बैग के। तो मैंने उन अंकल को बोला, मैंने कहा आप उनको क्यों दे रहे हो, जब आपने मेरे को वो बोल नहीं रहे तो आप उनको कैसे दे सकते हो। तो वो जो अंकल है वो मेरे को सपोर्ट करने की बजाय, मैं उनको सपोर्ट कर रही थी, वो मेरे को सपोर्ट करने की बजाय बोलते अरे 17 रुपये तो है, क्या बात है। एंड आई वॉज लाइक, मेरे को बताना पता नहीं कहाँ की बात है, US की बातें बताने लग गए कि हम जब यहाँ थे तो वैसा हुआ था। एंड आई वॉज लाइक अंकल, मतलब वो एजेड थे तो मैं उनसे बहस नहीं करा, मेरा दिमाग तो ऐसा खराब हुआ था, अंकल यूज योर ब्रेन्स यार। फिर मैं कुछ नहीं बोली, मैंने कहा गेट लॉस्ट, अभी किसी को उन मतलब यार ये सब चीज़ें ना किसी ये आप लोग ऐसे कस्टमर्स की वजह से ना ये रूल वो नहीं हो पा रहा है। मैं कितनी स्टोरीज पढ़ती हूँ, ये सब आर्टिकल्स पढ़ती रहती हूँ, न्यूज़ में भी मैं देख चुकी हूँ कितनी बार, कितने सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो लाइफस्टाइल के ऊपर केस कर चुके हैं, बाटा के ऊपर केस हो चुका है, मैकडी के ऊपर केस हो चुका है इस चीज़ से रिलेटेड कि आप चार्ज कर नहीं कर सकते हो। कल मेरे को एक और आर्टिकल पढ़ने को मिला है, तो जिसमें यह लिखा हुआ है कि एज पर द एक्चुअल लॉ आपको कितने का भी सामान खरीदें, पेपर बैग्स अगर आप दे रहे हो तो यू हैव टू गिव देम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कितने का भी आप सामान खरीद रहे हो, पेपर बैग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही देना है, तो ये रूल है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम, मैं हमेशा होम सेंटर पर जाती हूँ तो एक बार दो बार, अभी कल मुझे ये पता चला है कि आप किस पे मेल कर सकते हो कितने बार लाइफस्टाइल पे, तो आई थिंक 4 times उन लोगों के ऊपर, एक बार 11,500 का, एक बार 22,000 का, और उनको कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। तो ऐसा सब होता है, तो ना यू हैव टू टेक एक्शन यार, ऐसे मतलब चुप हो करके मत बैठा करो। जो चीज़ें मतलब मुझे ऐसा लगता है अपनी एजुकेशन को, अपने नॉलेज को हम सिर्फ अपने यहाँ पे रखने के लिए नहीं लेते हैं, उसको यूज़ भी करना चाहिए, बोलना चाहिए। अभी लोगों को लगता होगा वो जो आगे पीछे खड़ी रहती है ना आंटियाँ, मुझे ऐसे घूरती है जब मैं ऐसे बातें करती हूँ कि मतलब हाउ चीप शी इज़, 10 रुपये के लिए बहस कर रही है, वो ऐसी सोच रही होंगे आई एम श्योर, बट हु केयर्स। मतलब मैं तो करती हूँ यार, जो सही है वो सही है, आप जस्ट कैलकुलेट करो। मैं बोलती हूँ 5 rupees into कितने कस्टमर आते होंगे दिन भर में, 200 कस्टमर कर लो मिनिमम, मैं 200 कस्टमर ले रही हूँ, तो 5 into 200 आप कैलकुलेट करो, ठीक है। अब वो जो आपने कैलकुलेट कराना अमाउंट into 30 कर लो, 30 डेज का 30 कर लो। अब आप सोचो मंथली ये लोग इतना कमाते हैं, इतना सिर्फ बैग्स को लेकर के, जबकि ये उनके उसमें है ही नहीं, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है उनके वो, तो जस्ट इमेजिन यार कि क्या कर रहे हैं ये लोग। तो ओके, वो सब छोड़ करके अब हम हॉल पे आते हैं, मैं थोड़ा सा ना वो हो जाती हूँ, मतलब मैं ये चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप जाते हैं तो आप इस चीज़ में हेजिटेट मत होइए, या आप ये मत सोचिए कि यार मैं 10 रुपये 5 रुपये के लिए क्या झगड़ा करूँ, मैं उनको दे देती हूँ। वो 10 5 रुपये कहाँ जा रहे हैं और कितना बन के जा रहे हैं, जस्ट इमेजिन दैट, और दिस इज़ योर राइट। आई मीन या तो आप बैग लेके जाओ, बट मैं तो जनरली बैग लेके चलती हूँ, बट समटाइम्स इट हैपन कि भाई मेरे पास ज़्यादा सामान हो जाता है तो मुझे चाहिए होता है, तो वैसा। अब हम पहले स्टार्ट करती हूँ मिनीसो के हॉल से। तो फर्स्ट चीज़ जो मैं लेकर के आई हूँ वो है ये कॉस्मेटिक एक्सेसरीज, तो इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो हम लोग बेसिकली ना ये यूज़ करते थे, दिस इज़ टू रिमूव अपर लिप, तो अपर लिप हो गया,
फोरहेड करना है आपको या साइड बर्न करना है तो उसके लिए ये बहुत परफेक्ट होता है. तो हम, मैं और मेरी मम्मी भी इनफैक्ट ये यूज़ करते हैं, जैसे कहीं जाना है या पार्लर नहीं जा पाए तो यू कैन यूज़ इट एट योर होम. तो उसी का अल्टरनेटिव आया है ये. तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ आपको ऐसे चलाना पड़ता है, मैं आपको दिखाती हूँ अपने हाथ पे करके, और ये आपको चलाना पड़ेगा एंड आपके जितने भी हेयर है ना वो रिमूव हो जाएंगे. लाइक नेक्स्ट आई बॉट दिस सॉफ्ट कॉटन पैड्स 180 शीट्स वाइट कलर की, और ये मुझे मिली है 150 रुपीज़ में. ये टिशूज लेकर के आई हूँ, ये मुझे मिला है 190 रुपीज़ का. तो ये फेशियल टिशूज़ हैं. नेक्स्ट मैं लेकर के आई हूँ ये हैंड ग्लव का सेट, और ये मुझे मिला है 250 रुपीज़ का. तो एक्चुअली ये मैं इसका शेप काफ़ी अच्छा है तो इसलिए मैं ये लेकर के आई हूँ, एंड ये आप यू नो पकड़ सकते हो कुछ भी गर्म चीज़ या इसके ऊपर रख सकते हो, तो इट्स लाइक दैट. देन ये जो स्लाइडर्स है ये विक्की लेकर के आया है, और इसका जो प्राइस है दैट इज़ 350 रुपीज़. तो इनके आगे जो स्लाइडर्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं. इनफैक्ट जो मैं घर पे अभी पहन रही हूँ वो भी सेम इसी तरह के स्लाइडर्स हैं, बट ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हैं. तो यूनिसेक्स होते हैं ये, कोई भी किसी में पहन सकता है. मुझे इसमें अपना साइज नहीं मिला, अदरवाइज मैं ज़रूर लेकर के आती. नेक्स्ट है ये, मैं ये रिंग ब्रैकेट लेकर के आई हूँ 2 pack, ये मुझे मिला है 150 रुपीज़ का मेरे मोबाइल के लिए. नेक्स्ट मैं लेकर के आई हूँ ये ब्लू कॉटन स्वैब विद पेपर स्टेम. तो बेसिकली इनका जो स्टेम है ये पेपर का है, दिस इज नॉट ऑफ प्लास्टिक, और ये 150 रुपीज़ में मुझे मिल गया है. उसके बाद मैं ये नेल पॉलिश क्लेंजिंग वाइप्स ले आई हूँ, ये मुझे मिल गई थी 150 रुपीज़ में. 2 का सेट है ये. उसके बाद मैं ये फेशियल हेयर रिमूवर ये लेकर के आई हूँ, रेजर लेकर के आई हूँ, बिकॉज ये एक महीने से ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और मैं काफ़ी टाइम बाद मिनीस हो गई थी. आई थिंक 4-5 months बाद मैं मिनीस हो गई हूँ, तो मैं ये 2 लेकर के आ गई हूँ, ये चल जाए आराम से. उसके बाद मैं अगेन ये कंटेनर लेकर के आई हूँ. इस तरह के मेरे पास ऑलरेडी 3 कंटेनर्स हैं, और मैं जो डेली की दाल और सब्जी होती है या चावल होता है वो सब मैं इन्हीं कंटेनर्स में यूज़ करती हूँ. माइक्रोवेव फ्रेंडली होते हैं ये, एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है. मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैं फर्स्ट लेकर के आई थी उसको तो मुझे यूज़ करते हुए 1 साल हो गया है, तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी इंप्रेस्ड. और इनके एक्चुअली लिड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. तो डेली का सामान रखने के लिए, सब्जी दाल रखने के लिए मैं लेकर के आती हूँ. तो एक मेरे पास सेट ऑलरेडी है, और एक जो सेट है एक दिन मंचता है दूसरे दिन के लिए जो बचता है ना, तो उसके लिए मैं ये लेकर के आई हूँ. और नेक्स्ट मैं लेकर के आई हूँ लॉन्ड्री बैग. सो आई गॉट दिस क्वेश्चन एज वेल कि जो एक्सपेंसिव पैडेड ब्रास होते हैं उनको कैसे वॉश करना चाहिए, कैसे उनका टेक केयर करना चाहिए. तो आई हैव दिस अंडरगारमेंट्स वाला जो है वॉश करने का लॉन्ड्री बैग, एंड दिस इज सो गुड. मतलब मैं इतने दिन से इसको यूज़ कर रही हूँ. मैं सिर्फ इसके अंदर अपने गारमेंट्स डाल देती हूँ और इसको मशीन में एज इट इज़ डाल देती हूँ, और आपका जो अंडरगारमेंट होता है वो पूरी तरह से वॉश हो जाता है. इवन मैं इसको जो ड्रायर होता है ना उसमें भी डाल देती हूँ. तो ड्रायर तो कितनी खतरनाक तरीके से स्पिन करता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती. मतलब सारे जो आपके वो रहते हैं ना पूरा सेफ रहता है. एंड उसी की जैसा मैं ये बैग लॉन्ड्री बैग लेकर के आई हूँ फॉर 1-2 क्लोथ्स पर बैग. मतलब जो हमारे एक्सपेंसिव टॉप्स होते हैं जिनको आप मशीन में नहीं डाल सकते हो, आपको लगता है कि वो फट जाएंगे. इट्स प्रिटी बिग, हाँ ये काफ़ी बड़ा है. तो आप इसके अंदर अपने टॉप्स और कोई ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आप इसमें डालोगे तो वो फट जाएगा, या ऐसे होते ना डेलिकेट से कपड़े होते हैं, सूट्स होते हैं, दुपट्टे होते हैं, आप उनको डालते नहीं हो. मतलब मैं जनरली अपने जो टॉप है वो हाथ से धोती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मशीन में फट जाएंगे. तो दिस इज़ रियली गुड, आई रियली लाइक इट. और ऐसे मैं 2 लेकर के आई हूँ, तो ये 2 साइजेस में अवेलेबल है अलग अलग. सो इट्स नाइस. तो ये पूरे लॉन्ड्री बैग्स हो गए हैं. उसके बाद होम सेंटर से हम लोग लेकर के आए हैं ये टॉल्स. तो हम लोगों के पास होम सेंटर से हम लोगों ने ये टॉल लिया था लास्ट ईयर, सेल लगा था तब, और ये 599 में 2 मिला था. लग्जरी बाट टॉल होता है ये, और वैसे ये काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, 999 में मिलता है. हम लोग काफ़ी दिन से ढूंढ रहे थे कि वो मिल जाए, वापस मिल जाए, वैसी वाला लेना है, एंड फाइनली वी गॉट इट. क्योंकि कुछ डिस्काउंट चल रहा था तो 2-3 पीसेस बचे हुए थे. सो एक तो हम लोगों ने ये ब्राउन कलर का लिया है, और दूसरा लिया है ये ग्रे कलर का सेट. तो 2 इसलिए, इसके अंदर एक के अंदर 2 है, मतलब 599 में 2 है, तो इट्स प्रिटी गुड डील. विक्की वर्मा का एक और ले लेते हैं बिकॉज फिर मिलता नहीं है, तो एक को हम रख देंगे. मतलब एक ग्रे मेरा रहेगा, एक ब्राउन विक्की का रहेगा. फिर जब ये ख़राब हो जाएगी 6-7 months में वापस से टाल चेंज करेंगे, तब फिर जो दूसरा सेट है वो निकालेंगे वैसा. एंड देन उसके बाद मैं ये लेकर के आई हूँ लेमन ग्रास अरोमा डिफ्यूज़र ऑयल. लेमन ग्रास इज़ माई फेवरेट फ्रेगरेंस. मतलब ये मैं लगाती हूँ और
बहुत अच्छी सी यू नो फ्रेगरेंस आ जाती है पूरे घर में। उसके बाद मैं लेकर के आई हूँ होम सेंटर से ये 6-piece cookware set 100% stainless steel। तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली ये पीस ना उनके पास सिर्फ एक बचा हुआ था एंड बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिला है मुझे। मैं आपको दिखाती हूँ, उसका एक्चुअल प्राइस था 2599 और ये मुझे मिला है 1300 रुपीज़ में। एंड ये वाला जो पीस है ना, ये लास्ट ईयर दिवाली पे मैंने देखा था और इस बार उनके पास होता है ना स्टॉक क्लियरेंस करते हैं वो लोग, तो उन्होंने ये काफ़ी अच्छे सेल पे निकाला है। और ये यहाँ पे तो एक पीस था, हो सकता है किसी और वाले होम सेंटर में इसके पीसेज अवेलेबल हों। मैं एक दो और लेने का सोच रही थी गिफ्ट वगैरह करने के लिए दिवाली पे। बहुत अच्छा चीज़ है ये, कोई भी जिसको भी देते वो खुश हो जाता। बट फिर वो एक ही पैनल को बोला कि आप प्लीज़ देख लो आपके गोडाउन वगैरह में अगर एक और पीस हो, तो उन्होंने बोला एक ही पीस अवेलेबल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आया है। एक्चुअल प्राइस था 2799 और आफ्टर डिस्काउंट हमको मिला ये 1399 में। सो दिस इज विथ लिड। तो एक्चुअली जैसे आपको चावल बनाना है या आप सब्जी बनाते हो तो ये आप इसमें सर्व भी कर सकते हो, बिकॉज इट लुक्स रियली क्लासी। इसका लिड मतलब मेरा जो अभी पूरा सेट हो गया है स्टील का, वो सब उसमें कोई कलर वगैरह नहीं है, रेड नहीं है, ब्लैक नहीं है, वो प्रॉपरली इस तरह का स्टील का ही है। तो ये उससे भी मैच हो रहा था और मुझे इस तरह का चाहिए था कुछ। तो आप पॉट डिशेस जो बनाते हो, वन पॉट डिशेस बनाते हो, पैन डिशेस बनाते हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो एक तो ये साइज़ में अवेलेबल है, इवन आप इसमें मिल्क बॉइल कर सकते हो। तो ये ऐसा मीडियम साइज़ में है, तो उसका भी इस तरह से लिड है और काफ़ी अच्छा थिक बेस मटेरियल है। मटेरियल काफ़ी अच्छा है इसका और होम सेंटर का है तो थोड़ा सा मुझे ट्रस्ट भी है। और दूसरा इस तरह से का, ये इस तरह से एक पैन है। तो ये लास्ट चीज़ है और ये मेरी बिल्कुल फेवरेट चीज़ है। ये मैं लेने नहीं वाली थी, बाकी सब हम लेने गए थे, बट ये जैसे ही मुझे दिखा तो मैंने इसको छोड़ा ही नहीं। और दैट्स इट फॉर माई वीडियो। और उसके बाद पहले से मैं शावर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, सो आई जस्ट टुक अ शावर और शावर लेने के बाद अभी जस्ट मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी। विक्की का मैं वेट कर रही हूँ, अभी 10 बजे हैं, विक्की अभी तक आया नहीं है। एक्चुअली मैं ना विक्की का इतनी देर से इसलिए वेट कर रही थी क्योंकि आज ये दो सब लोग पूरा खा गए, एक चीज एक थोड़ा सा भी। विक्की ने मुझे ऑल दो तभी फोन करके बता दिया था कि सबने बहुत तारीफ करी छोले की, तो यू नो आई एम सो हैप्पी। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को मीशो के बारे में कुछ बता देती हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सोचोगे मीशो क्या है। तो मीशो एक ऑनलाइन रीसेलिंग ऐप है जिसमें आप अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं घर बैठ करके ही, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आपने सही सुना है। आप चाहे तो इसको अपनी प्राइमरी इनकम बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको अपनी सेकेंडरी इनकम बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करिए, उसको डाउनलोड करिए। आपको बोनस कुछ अमाउंट मिलता है, उल्टा आपको अमाउंट मिलता है। और जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो देखिए, उन प्रोडक्ट्स में से जो भी प्रोडक्ट्स आपको पसंद आते हैं उसको सिलेक्ट करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए। अगर वो प्रोडक्ट आपकी लिंक के थ्रू परचेस किया गया है तो उस प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको मिलता है। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है कि किस तरह से काम करता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा मेरे पुराने वीडियोज़ का। मैं ऑलरेडी बहुत सारी बार मीशो के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत सारी लेडीज़ ऑलरेडी कर रही हैं, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी दे रही हैं। तो आज का जो वीडियो है मैं यही खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।